उड़ीसा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चर्चाएं कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आज इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी के नाम पर मोहर लग गई है। वो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। बुधवार को मांझी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चर्चा है कि पीएम मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी यूपी राजस्थान की तरह उड़ीसा में भी दो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अमल में लाई है। कनक वर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। उड़ीसा में मंगलवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। पार्टी आलाकमान ने दोनों राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। विधायक दल की बैठक के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा नेता मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। केवी सिंह देव और पार्वती परिदा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये फैसला विधायक दल की बैठक में लिया गया। उड़ीसा के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। भाजपा को 78, बीजेडी को 51, कांग्रेस को 14, सीपीआईएम को 1 और अन्य को 3 सीटें मिली। मोहन चरण मांझी क्योझर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। उन्हें 87,815 वोट मिले। वहीं बीजू जनता दल प्रत्याशी मीना मांझी को 76,238 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा मंजरी नाइक तीसरे स्थान पर रहीं। उन्हें महज 11,904 वोट मिले थे। इस तरह मोहन मांझी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेडी की मीना मांझी को 11,577 वोटों से हराया। राज्य में पहली भाजपा सरकार का नेतृत्व करने जा रहे मोहन मांझी का जन्म 6 जनवरी 1972 को हुआ था। वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। इस बार हुए विधानसभा चुनाव से पहले वो 2019 में भी विधायक चुने गए थे। इससे पहले 2000 से 2009 तक वो विधायक रहे। बीजेपी ने मोहन मांझी को प्रदेश की बागडोर सौंपकर उड़ीसा के आदिवासी समुदायों का विशेष ध्यान रखा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंच सकते हैं। वो हवाई अड्डे से राजभवन जा सकते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जनता मैदान पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रस्तावित जनता मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद चर्चा थी कि भाजपा उड़ीसा सीएम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर चर्चा कर सकती है, मगर सबलपुर सीट से सांसद धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बन गए हैं।